नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम, दैट इज टीनोफोरा। टीनोफोरा जो नाम है वो टीन से दिया हुआ है, टीन। टीन का मतलब होता है लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन जिसमें कि बहुत सारे सीलिया होते हैं। सीलिया आर द ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि मूवमेंट करते हैं, और ये एक कॉम्ब ऑफ प्लेट या हार्ड प्लेट पे अटैच रहते हैं। अब इसका कॉमन एग्जांपल है सी वॉलनट, क्योंकि ये मराइन है तो सी वॉलनट, क्योंकि ये वॉलनट शेप का है। इसमें ये राउंड वॉलनट की तरह है, जिसपे कि हम ये कह सकते हैं जैसे कॉम्ब होते हैं उस तरह की इसमें ब्रशेस होती है। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। अगेन दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब हम इन्हीं किसी भी प्लेन से इक्वली कट कर सकते हैं, इक्वल हाउस में कट कर सकते हैं। देन डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जैसे हमने और क्लासिफिकेशन में स्टडी किया था, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक जिसमें कि टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, मीसोडर्म जो है वो एबसेंट हो सकती है या फिर पैचेस में पाई गई है, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही लेयर्स होती है। अगेन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स जो है वो टिश्यू में कन्वर्टेड है। सेल्स वो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें टिश्यू में कन्वर्ट किया गया है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आ गई, बॉडी बेयर एक्सटर्नल रोल्स ऑफ सीलिएटेड प्लेट्स दैट हेल्प इन लोकोमोशन। जैसे मैंने पहले भी बताया, टीन नाम से दिया गया है फाइलम टीनोफोरा का नाम, तो इसमें सीलिया जैसे या बहुत सारे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लोकोमोशन का काम करते हैं, और ये प्लेट्स पे अटैच्ड है, इसीलिए इनको नाम दिया गया है टीनोफोरा। अगेन डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। Then bioluminescence is seen in them. Bioluminescence, luminescence का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि लाइट प्रोड्यूस करे तो उसे हम कहते हैं luminescence। और bio means living, तो bioluminescence का मीनिंग हुआ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि खुद लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि झिंगूर को देखा होगा आपने, वो लाइट प्रोड्यूस करता है अंधेरे में, तो दैट इज बायोलुमिनेसेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। देन दे आर हर्माफ्रोडाइट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मींस, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल दैट इज इन द एनवायरमेंट। फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, मीन्स कि इट इज इन द एनवायरमेंट विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल टीनोप्लाना। थैंक यू।